इसमें एक अलॉय चेंज होगा, बंपर चेंज होगा, बंपर की क्लाइडिंग चेंज होगी। बताओ यार ये गाड़ी कितने मतलब सर्विस सेंटर में ही खड़ी रहती है जब देखो, पहले अभी सनरूफ बन गया इसके 10-15 दिन में। हेलो भाई मैं अनुपमार, अभी आपको पता ही था भाई हमारी गाड़ी के साथ क्या सीन हुआ था भाई, टूट फट गई थी ये। ऐसी गाड़ी को जो टूट गई फट गई हो वो ऑटने के लिए भाई हमको बहुत दूर जाना पड़ता है, 30-35 किलोमीटर पड़ता है भाई हमारे यहाँ से ना। अब आप देखोगे भाई इसकी हालत कितनी खस्ता हो रखी है, ये देखो पूरी भाई ये हाल रहा है इसका, ये बम्पर पूरा उखड़ गया नीचे से, ये पूरी देख रहे हो ये पूरा पता नहीं कहाँ कहाँ निकल गई। तो जिन भाई ने पहले वीडियो देखी होगी आपको पता होगा पहाड़ में लग गई थी भाई, हमसे हम ऋषिकेश गए थे ना, पीछा टूटा हुआ है। तो आज चलिए इसको डाल के आते हैं महिंद्रा और देखते हैं कैसी सर्विस होती है। अपनी ज़िंदगी में पहली बार क्लेम लेने जा रहा हूँ भाई मैं इंश्योरेंस वगैरह का, मतलब आज तक लिया ही नहीं था, जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ वो तो है इसका सेल्स का महिंद्रा का, मतलब हमारे शहर में, लेकिन मेरे को सर्विस का नहीं आइडिया। सर्विस है शायद यू मीटर का है दुकान सी है ना, हैगी ना, है को पूछ का हूँ, एक मिनट मैं पूछ का हूँ, पूछिया होगा भाई सर्विस, सर्विस को भी है हिसाब किताब, मतलब गाड़ी बन जाएगी अगर टूटी पड़ी हो तो। वही रहता ना, अरे मतलब क्या कि जितना छोटा वो रहता है अपन जानते हैं एक्सपीरियंस वगैरह का, ये तो है। चलो कोई नहीं कल पूछ ही आएंगे तो। अरे बात ये है ना भाई यार, वहाँ अब जा रहे हैं देने, फिर लाने की दिक्कत आपस हो आप तक है तो सही यार। ये बंदे खड़े हैं ड्रेस पहन के, ये देखो अंदर बटे हल्की पतली सर्विस करते होंगे बस, जहाँ तक है डिलीवरी तो हो रही है भाई, तगड़ी बिक्री है। बताओ इस पर्दे के नीचे गैस करो कौन सी गाड़ी है इनकी, गैस करो जल्दी जल्दी। हाँ जी सर, सर्विस की सुविधा बस, सर्विस बॉडी शॉप वो शॉप गुड़गांव में जाओ। ये गाड़ी लेके जा रहे हैं भाई, ये भाई आए सब्सक्राइबर भाई मिलने ये वाले, तो कहने लगे भाई हम भी घुमाना हमको भी गुड़गांव, इससे बढ़िया मौका क्या होगा भाई, आप भी घुमाना हमारा काम भी बन जाएगा। नहीं ओरा का क्या बन गया है पीछे पूरी गिर गई यार गाड़ी, ओरा ही बन गई, बम्पर गया इसके बेचारी की ठोक दी किसी, कहते भी अरे यू तो भैया अलग टाइप कोई एक्सीडेंट है। अरे आगे पीछे दोनों साइड महिंद्रा के सर्विस सेंटर पहुंच लिए हैं यार, महिंद्रा सर्विस। चलो गाड़ों को बता देते हैं भाई रिपेयर किलोमीटर भाई 14,500 भाई, मैंने बहुत चला दी यार ये तो, छह महीना में बहुत गाड़ी चल गई हमारी। डिटेल बाकी स्कॉर्पियो है ना, स्कॉर्पियो है भाई ये, महिंद्रा वाले स्कॉर्पियो रख ले कुछ भी रख ले ये रहेगी स्कॉर्पियो सबकी नजर में। तो चलो भाई महिंद्रा पहुंच चुके हैं हम लोग, अब अंदर चल के देखते हैं सर्विस एडवाइजर वगैरह से मिलते रिसेप्शन पे, वो आराम से अपने को अटेंड करेंगे वहाँ पे, चल के सर्विस देखते हैं इनकी भाई। अब जरा पहले तो इंश्योरेंस देख लेता हूँ मैं इसका, आपको आज बताने वाला हूँ अगर आपकी गाड़ी ऐसे कहीं एक्सीडेंट हो जाती है तो आप कैसे इंश्योरेंस क्लेम में लेते हो, मतलब इन्हीं में रहती है ना ये डॉक्यूमेंट। अच्छा इसी से है ये, इससे ही करते हैं देखो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, वो लोग मांगेंगे ना सारी चीज उनको देना पड़ेगा, देखो आईसीआई। तो भाई एडवाइजर को बुला लाए हम भीतर से, ये चेक कर रहे हैं अब गाड़ी को, ये देखते हैं पहले हो जाएगा नहीं होगा, तो इन्होंने कह दिया हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लेम में आराम से चली जाएगी, आराम से बना देंगे इसको, लेकिन 10 दिन लगेंगे। रिसेप्शन पर अंदर जाने के बाद भाई ये इंश्योरेंस वाले मेरे को मिल चुके हैं, इंश्योरेंस वाले अलग होते हैं सर्विस टीम अलग होती है। तो यहाँ पे मेरे से आधार कार्ड पैन कार्ड जो गाड़ी के ओनर है मतलब पापा उनके ले लिए, डीएल मेरा ले लिया, और रीजन क्या था ये सब लिखवा लेते हैं, अभी मैं वही लिखने में लग रहा हूँ कि कहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये इंश्योरेंस में लगता है और इंश्योरेंस की कॉपी फोटोकॉपी ये लोग अपने खुद ही कर लेते हैं, सारा काम इनका होता है भाई। मैंने यहाँ पे अपना डेट टाइम लोकेशन और रीजन क्या है कैसे कैसे लगी गाड़ी उसके डॉक्यूमेंट के साथ साथ यहाँ पे दे दिए। लो जी सर, भाई करीबन महिंद्रा वालों ने आधा घंटा ले लिया मेरा पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने में, और सिस्टम में लोड करना पड़ता है ना पूरे इंश्योरेंस की साइट पे, आधा घंटा लग गया पूरा, आप फोटो लेने की बारी है ले जाना जी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दे दी भाई हमने क्लेम में, अब ये 10 दिन का टाइम मांग रहे हैं। तो पहाड़ में लगी जगह एक पत्थर आया पता नहीं क्या हुआ, एक कोई पत्थर यहाँ पे लग गया उधर साइड लग गया पता नहीं क्या, साइड ज्यादा लगी है हाँ उधर साइड ज्यादा है। अरे यूं तो जब कहा पता नहीं यार, हमारे तो समझते बाहर हमारे तो ये लाइट बच गई हमारी तो यार, बढ़िया हमारी हमको ऐसे इतना प्यार है, हमने उनकी लाइट का खर्चा बचवा दिया, वरना भाई इतनी महंगी लाइट है ये डबल। दो तरीके के इंश्योरेंस होते हैं भाई, आप मान लो जैसे बाहर से इंश्योरेंस करवाते हो जिनका टाई अप नहीं होता, जैसे हम सर्विस है कई बार जैसे नई गाड़ी लेते हैं तो हमने जैसे बाहर आफ्टर मार्केट उनसे खरीद लिया सस्ते चक्कर में, जैसे यूनाइटेड हो गया, फिर जो लोकल सस्ते वाले होते हैं अगर उनका टाई अप इनके साथ नहीं होगा ना तो भाई रिपेयर बिल आपको बना के दे देते हैं, उसके बाद आपको उनके ऑफिस में जाके फिर अपना रिफंड लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने कंपनी से ही लिया था गाड़ी लेते टाइम के डीलर होता है 10-15,000-20,000 रुपये महंगा होता है, बट उसका पीस ऑफ माइंड आज मिल जाता है कि अपना आए जस्ट इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांग लिए
इंश्योरेंस कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसके नाम गाड़ी है, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ड्राइविंग लाइसेंस, और अपना नाम पता वता बता दो बस। तो अब क्या है, ये अपने आप गाड़ी को बना देंगे, मतलब कैशलेस होता है, अब गाड़ी को बना देंगे 10 दिन में। पहले तो सर्वे होगा, वो इसमें भी अप्रूवल रिजेक्शन का वो पॉइंट होता है कि अप्रूव होगी रिजेक्ट होगा, और वो ये सर्वे से आप अच्छे से बताओगे, ढंग से उनको वैलिड लगेगा आपका रीज़न, तो फिर क्लेम पास हो गए। फिर हमको बस फाइल चार्ज पे करना होगा, जो मेरे ख्याल से इसका 1500 से 2000 बनेगा, क्योंकि 2000 cc से ऊपर की गाड़ी है, थोड़ा लेंथ वेंथ इस सब पे डिपेंड करता है कि आपको फाइल चार्ज अब गाड़ी में कितना देना पड़ेगा। तो अब जब मैं इस गाड़ी को अपनी को लेके जाऊंगा, तो मेरे को यहाँ पे एक भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा भाई, एक्सेप्ट फाइल चार्ज, क्योंकि ये गाड़ी हमारी कैशलेस इंश्योरेंस के अंदर है। तो ये फायदा होता है डीलर से लेने का, वरना अगर जैसे बाहर से लेते तो भाई बड़ी फटीक होती है फिर, तो अगर इनका टाई अप नहीं होगा, जैसे भाई आजकल इंश्योरेंस कंपनी भी दुनिया भर की आ गई है, होता है भाई। और सामान लेता हूँ, हाँ भाई इसमें ना ये और एक फालतू की टेंशन है, इस पोने के साथ बड़ी दिक्कत है। ये देखो पता ही है, ये फ्री है, ये स्लिप है। हाँ ये ना, ये जो पोना है ये फ्री हुआ पड़ा है, इससे खुलता नहीं है, स्प्रेड टायर क्या चार्जेबल रहता है क्या? ये पीछे से जब खराब आया हमारा तो हम क्या करें इसमें, वैसे होता नहीं कभी कोई ऐसे कंप्लेंट नहीं। आप दिखाओ इसको खोल के, इसे खोल देंगे यार, ये सबसे मोटी दिक्कत भाई इनके नटों में, पाना ही तो मेन चीज होता है, अगर पाना मान लो स्लिप कर गया। हाँ। या तो हो सकता है कि हमने बिठाने में हमारे कोई दिक्कत सही नहीं लगा कुछ, ऐसा भी तो हो सकता है। हमने खूब ट्राई कर लिया, पर आपके आरएस से वाले आए, उन्होंने हथौड़ों से कर करके खोला था। ये हमारे थार के साथ भी हुआ था भाई, आपको याद हो तो, नट फ्री हुआ था एक बार ही ना, ये नट के जो लगा के ना फ्री हो जाए यार इनके, ये जो ये है ना इनके ये दाते से इनमें फुगैया आ ये और एकदम फिर फिसल जाता है। कल को रात बिरात हम कहीं फंस गए जहाँ पे आरएस से नहीं है, तो कितनी मोटी आफत हो जाएगी। हमको तो उस दिन रियलाइज हुआ सुबह 6 बजे, हेल्पलेस फील हो जाता है आदमी, छोटी छोटी चीजें जब काम नहीं करती। तो भाई बताओ यार ये गाड़ी कितने, मतलब सर्विस सेंटर में ही खड़ी रहती है जब देखो। पहले अभी सनरूफ बन गया इसके 10-15 दिन में है, उससे पहले स्टेयरिंग वाइब्रेशन के लिए आती थी बार 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 बार, देखो फिर से यार हम क्या चाह रही है, हाथ की लमांगी लगती है। वैसे भाई मैं इसको ना अपनी इस गाड़ी को पिक एंड ड्रॉप करवा सकता हूँ, मतलब महिंद्रा के जो ऊपर के वो हैं सीनियर्स हैं, रीजनल एड हो गए, जोनल एड हो गए, मतलब इतनी अच्छी उनसे है ना अपनी, बट आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस ग्राउंड लेवल पे महिंद्रा की सर्विस कैसी है, मतलब फिलहाल अभी उस इंसिडेंट के बाद क्या कुछ फ़र्क पड़ा है क्या नहीं, बट सच में अच्छी लगी भाई। थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, लिटिल लिटिल सा क्लेम का काम, पर ओवरऑल अच्छी है, चाहे आप एडवाइजर की बात कर लो, चाहे यहाँ के स्टाफ की बात कर लो। वैसे भाई बता रहे हैं इसका अलॉय भी चेंज करना पड़ेगा जी भाई। हाँ, अलॉय भी चेंज, क्या क्या चेंज करोगे अब इसका? इसमें एक अलॉय चेंज होगा, बंपर चेंज होगा, बंपर की क्लाइडिंग चेंज होगी। हाँ। ये फोगलम वगैरह सारे कुछ चेक करना पड़ेगा, फेंडर है ये रिपेयर होगा, ये रिपेयर करोगे इसको? हाँ, ये रिपेयर होगा फेंडर, इसको बदल नहीं सकते क्या? नहीं ये इतना डैमेज नहीं है, तो इसको इंश्योरेंस कंपनी रिपेयरिंग में ही अप्रूवल देगी। फेंडर लाइनिंग है वो चेंज होगी, जो अंदर की जो टूटी हुई है। तो इस पे जैसे ये रिपेयर करोगे आप, दोबारा पेंट वेंट करोगे तो फिर रिसेल में दिक्कत नहीं आएगी? नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अब जैसे कि जो रिपेयरेबल है तो वो इंश्योरेंस कंपनी रिपेयरिंग में अप्रूवल देगी, ना कि उसको मैच हो जाएगा ना पेंट एकदम, पता तो नहीं चलना चाहिए ना, पता लगा लें भाई कौन। अब वो तो अलग है, लेकिन वैसे तो पता ना चलना चाहिए ना। चलो जी 10 दिन में दोगे? चलो भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, ठीक है जी। आपने शुभ नाम नहीं बताया? मानसिंह जी। चलो जी भाई से मिलके, मानसिंह भाई से बहुत अच्छा लगा। अब 10 दिन बाद आते हैं, मिलते हैं भाई से, 4 तारीख को छोड़ रहा हूँ, एक्सपेक्टेड है 14 अप्रैल तक हमारी गाड़ी अपने को मिल जाएगी। चलते अपनी एर्टिगा में बैठ के भाई। अब भाई अब तो इन्होंने कोई गाड़ी वाड़ी दी नहीं, हमने पूछा भी था ऐसे कोई लोनर कार वोनर कार मिलती है क्या, कह नहीं हमारे यहाँ ऐसी कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। हमने कहा चलो छोड़ो हमारी गलती है ना, इस वजह से कोई बात नहीं, हमने तो पहले भी नहीं मांगी थी, वो तो उन्होंने ही दी थी। यार भाई चारा इतना कमा लिया है ना, कंपनियों की गाड़ियों की जरूरत ही नहीं है। वो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है इसमें हमको वो तो देना ही पड़ेगा, क्या बोलते हैं 2000 रुपए फाइल चार्ज लगेगा, साथ में 5% मेटल सरचार्ज चार्ज भी लगता है, कोई मेटल पे 5% जैसे अलॉय हो गया तो भाई बता रहे थे मैं इसको चेंज कर दूंगा, पर लेकिन 1500-2000 का है तो उस पर 5% मतलब जितना भी बनेगा मेटल का वो पे करना पड़ेगा। चल ठीक है, मतलब मैं तो ऐसे करता था अलॉय की क्या जरूरत है, हल्का थोड़ा सा बस स्क्रैच सा है, कह रहे ना चेंज हो जाएगा। भाई मैं भी एर्टिगा को भगा रहा था ऐसे ही, ये सीएनजी में है भाई, ये ना 100 के बाद तो फिर बहुत धीरे धीरे चढ़ती है, और अभी टॉप स्पीड में अभी देख रहा था भाई ये 140-145 इतने पे आके दम सा तोड़ जाती है, और भाई कितना भयंकर बॉडी रोल सा फील होता है इसके अंदर। गई हो हम भाई हल्के से टन जैसे 140 हल्का सा भाई साहब, छे दो बंदे हमारे भाई ऐसे डर गए बहुत ज्यादा।
चलो भाई अब महिंद्रा वालों के हवाले कर दिया अपनी स्कॉर्पियो फिर से, कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है अपना सब कुछ देख लेना ढंग से क्या है क्या नहीं है। अब सर्वेयर का वेट है, बस सर्वेयर जब कॉल करेगा वो जरूर पूछते हैं कि एक बार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उनका अप्रूवल आता है तो वो गैरेज वाले अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ऋषिकेश घूमने गए थे हम लोग, फिर अपने रिजॉर्ट में जा रहे थे, रात 11 बज रहे थे, थोड़ा लेट हो गए थे, पहाड़ में दे मारी गलती से, सामने से गाड़ी आ रही थी, टेम्पो में लिखा है कि पत्थर पे जाकर लग गई गलती से, तो आप पहाड़ में लिखोगे तभी वो ऊपर से कुछ पहाड़ के टुकड़े भी गिरे हैं टूट के गाड़ी से। हाँ तो मैंने पहाड़ी तो लिखा है, हिल्स तो लिखी है उसमें, पूरा तो पढ़ो आप फॉर्म को। भाई साहब यहाँ पे क्लेम रजिस्टर करवाते ही धड़ाधड़ मैसेज आने लग जाते हैं ईसीआई लोम्बार्ड के, और यहाँ पे मतलब स्टेटस बताते रहते हैं व्हाट्सएप पे। और भाई नेक्स्ट डे भी सर्वेयर का फोन आ गया, तो उसने कहा कि भाई थोड़ी और डिटेल दो, तो मैंने अब ये लिख के भेज दिया हिंदी में, इंग्लिश में थोड़ी राइटिंग समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने मतलब पूछते तो है ही भाई कैसे लगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैंने ये अब लिख के महिंद्रा वालों को भेज दे, वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे और फिर उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा गाड़ी में। तो यहाँ पे बता रहे हैं वी हैव कंप्लीटेड द सर्वे ऑफ योर व्हीकल एंड रिपेयर हैज बीन गिवन टू द गैराज। चलो भाई सर्वे ने कर तो दिया मतलब अप्रूव, सर्वे कंप्लीटेड, और देखते हैं मतलब कितने दिन में बनती है। व्हीकल रिपेयर इनिशिएट हो चुका है फाइनली।